हेलो फ्रेंड्स, मैम मिस्टर फिर और एक न्यू एक और लैपटॉप की वीडियो जो हम आपको दिखाएंगे। लैपटॉप का कैसे ही पैनासोनिक कंपनी की टीवी को रिपेयर किया जाता है, कैसे करना चाहिए। हम थोड़ी आगे बढ़ते हुए आपको दिखाएंगे पैनासोनिक कंपनी का टीवी होता है, उस पर जो किट होती है किट को कैसे चेंज किया जाता है, कैसे करना चाहिए, इसके सॉल्वेशन के बारे में आपको डिटेल से बताएंगे। हम इसी बारे में आपको वीडियो बना रहे, हम इसी की ओर थोड़ी चलते हुए आगे की ओर जैसे देख रहे हैं इलेक्ट्रिकल्स का जो काम होता है। इलेक्ट्रिकल्स का एक फैंस आ चुका है वहाँ पर, इलेक्ट्रिकल्स की रिपेयरिंग भी की जाती है, वो भी टाइम निकलने पर भी कभी कभी की जाती है। ज़्यादा इलेक्ट्रिकल्स की रिपेयरिंग पर विशेष ध्यान नहीं देते क्योंकि हम सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक एंड इलेक्ट्रिकल्स की रिपेयरिंग तीनों करते रहते हैं। और हमारे यहाँ पर फैनों की क्लास होती है, फैनों की क्लास भी कराई जाती है सिर्फ मॉर्निंग टाइम 7:30 पर एंड 28 सेकंड पर, जो कि संडे के दिन की छुट्टी रहती है हमेशा के लिए, जो हमेशा बंद रहता है इंस्टीट्यूट। हम इस टीवी के बारे में बताएंगे जो कि हमारे पास पैनासोनिक कंपनी का टीवी आया हुआ था। हमने इस पर किट इंस्टॉल किया, बहुत ही दिक्कत आई हमें इसमें, पूरी नाइट टाइम बर्बाद कर दिया और ये बहुत ही मुश्किल से इंस्टॉल हुई और ऑपरेट हुई है क्योंकि किसी टेक्नीशियन ने इसको बताया था इसमें किट ही नहीं चेंज हुई ना हो सकती है। लेकिन नरेंद्र टेक्निकल इंस्टीट्यूट पर आने से इस टीवी किट चेंज तो होगी। जैसे देख रहे हैं पैनासोनिक कंपनी का टीवी है, 27 इंची बहुत ही हाई फाई टीवी है। हम इसके बारे में दिखाएंगे कि आप लोकल टीवी मत समझिएगा इसमें, जैसे देख रहे हैं पैनासोनिक का जो लगाया गया है इस पर, जैसे देख रहे हैं आप पैनासोनिक कंपनी की पूरी तरीके से लगी हुई है मोहर। हम ऐसे ही जो देख रहे हैं पावर स्ट्राइक सेंसर के बारे में तो पता ही हो चुका होगा और हम इसी के बारे में आपको बता रहे थे कि आपको पैनासोनिक का अल्ट्रा स्लिप टीवी आए तो बहुत बड़ी परेशानी आ सकती है। सिर्फ इसी के बारे में हम वीडियो बता रहे हैं कि जो हमने इस पर ओरिएंट वर्टिकल जो 110 वोल्टेज का जो वायर होता है वो कैसे चेंज किया। जैसे देख रहे हैं यहाँ पर जब कभी आप लगाते हैं तो आप क्या करना चाहिए, जैसे देख रहे हैं हमने यहाँ पर तो एक वायर लगाया था लेकिन यहाँ पर न लगाने से कोई डिस्प्ले नहीं आ रही थी और ट्रांजिस्टर हीट हो रहा था, बहुत ही ज़्यादा कॉइल पर जो लोडिंग आ रहा था और वर्टिकल आईसी भी उड़ गई थी। लेकिन हमने जब प्रैक्टिकल करके पूरे अपने प्रयास में सफल रहे तभी हमने माना, लेकिन हमारी किट तो पूरी तरीके से वापस होने योग्य नहीं है क्योंकि अब इस किट को वापस कोई नहीं करेगा। हमने इसको रिपेयर कर दिया है क्योंकि इस पर जब कोई कस्टमर टेक्नीशियन इसलिए डर रहा था क्योंकि टेक्नीशियन कह रहा था कि हम इस किट को इस पर कोई किट असेंबल नहीं कर पाएंगे क्योंकि इसको असेंबल करेंगे तो किट पूरी तरीके से डेड हो जाएगी, कि ये शायद कलर आया नहीं आया। लेकिन हमने इसको कर दिखाया पूरी तरीके से परफेक्ट, सफल रहे या असफल नहीं रहे। और जैसे देख रहे हैं हमने इस जो पहली पेन देख रहे हैं इसको हमने पलट के जो क्वाल होती है इस पर दिया है, जो आप देख रहे हैं जो बीच की पेन होती है हॉरिजॉन्टल हमने इसको ट्रांजिस्टर पर दे दिया, जो आप इसको देख रहे हैं इस तरह की हमने इसको दे दिया है। हम पूरी तरीके से 110 वोल्ट जो यहाँ से डाइवोट से आता है इसको पूरी तरीके से परफेक्ट दे दिया है। हम इसी के बारे में आपको बताएंगे और हम इस टीवी को स्टार्ट करके दिखाते हैं। करते हैं जो हमारा चैनल है, हमारे यहाँ अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। हम इसी वीडियो को कट करते हैं।